पटे पिल्ला से पटे पिल्ला मझी रे गोटिए पिल्ला तो पिल्ला से पिल्ला दा गोटिए पिल्ला दा नाम गोला ये तीरा वृतांत सुनंतु आपण ब्रह्मा विष्णु शिव होइले तीन जन तीन भाई दिने बसी करथिले दुई पटे शिव नारायण बसिले मध्य रे बसिण प्रभु वेद बर उच्चारण कले वेद शब्द तांकर से वेद पढ़ु पढ़ु गोटे पिला होइला सरस्वती बोली ता नाम बोलाइला एपटे अछंती प्रभु नारायण सेपटे अछंती शंकर भगवान मधिरे थिले ब्रह्मा देख बसिण एणु से ब्रह्मा वेद सरस्वती जन्म कराइले वेद पढ़ी लेखा है सृष्टि सरजनार ये कथार कि मन पाइब तुम्हर तुम कौन एम कर जानपन हाँ कि ना कौटा बुझीपमी कौन अजय भाई तांके पिलानिया को बेकी हे जा कथा कोन होउनी बोल छै हां हे त कि न हे त जे दही बनै तमोर सिना बेकी होबनी पिलानिया को बेकी हे जो ना तांकर कोड हबो तांके सब बेले दही दी गिलास ना हे पिउ जदी देहटा ठंडा पड़ गी रहउजी हां ए जदी ए कथा रे तुम्हर दही मन हे न दही मन बुझाई कहिबि जे आदर्श रामायण तपस्यारे देख श्रेष्ठ से दुहे हेले तपस्या सिद्ध होइले बेनी ऋषि बर हे बेनी ऋषि बर तेणु संतुष्ट रे ब्रह्मा तांक निकट आज्ञा मंदर उत्तर नाम बेनी ऋषि थिले तपस्या जिते बड़े से माने पूरा संतुष्ट कराइले देवता मानू तांको संतुष्ट हो पुणी देख देवगण गोटे काम धेनु गाई तांगू करिले प्रदान हेले ऋषि माने कौन करंदी नीति नीति गाई हीर दुवंती क्षीर आज्ञा पियंती देख तपसे मुनि मोर तपारु फेरिले क्षीर पियंती हे बाबू माने सुनंतु डेरी श्रुति हेतु अंदे जा हेला देबा बुझाई मात्र बसध्या को केबे क्षीर न दियंती से कहीं बाबा शास्त्र नियम जो लोक प्रथम गाई को दुई बदाण जेवन गोपाल मान प्रथम गोमाता को दोहन करे तार प्रथम चीर बसध्या पका हम हेले ऋषि मैंने से कामटा कले न कले एक देख बसध्या भाविले मनोरम आज्ञा हे इंद्र देवता निकटे जाहीदे गिर कहले हे इंद्र दैवत ये जो मंद उत्तर ऋषि मैंने मंदकर्म करोमाता क्षीर दोहन कर पिं कि मत टोपाटे देना एक शुणी इंद्रदेव कोपांगल हेले आज्ञा हे गोटे तक्षक को देख पठाइले आज्ञा से दिन नाग साप देख पल ये ऋषि मान क्षीर दू बस चूली उपर तातु क्षीर ऋषि मैंने जाइए बन मध्य से दिन सर्प देख पल
खोला अच्छी क्षीर हांडुटा देखीदे जाइन छाड़ा गरल एक जानती केवल गोटे बेंग से स्थान साप विष छाड़ देखीदे भाविला जदि ऋषि मान दे पिंड प्राण रही एते बोली मन रे से मंडुक भाविला मु तो कही न पारी हटाई बेंग पिला जदि ये क्षीर को ऋषि देवे खाइन निश्चय से पाप मत लग जान बेंग विचार कला बोला जदि मुनु पाटी फिटु थांता ऋषि मान को कहती ए क्षीर भितर नागसाप विष पड़ी किए पियन किंतु मोर पाटी फिटुनि मु करी कौन क्यों मोबाइल हजिगला हिंद हो कहला मु कौन करी ना मु मले पचे मरबि किंतु ऋषि गुड़ा को बचे देवी आज्ञा ये बोली कर दिन मंडुक देख हे से उड़ेला गरम क्षीर मध्य से जाई करी पड़ी गला कुसुम थिला से क्षीर भांड पुणी पड़ा ता मध्य डे पड़ा ता मध्य डे देख से मंडुक छतपट हो प्राण ता गला पढ़ाई ए समय पुणी से ऋषि वर आसिले तपस्या छाड़ी आसिले तपस्या छाड़ी सूचीवंत हो कुटीर मध्य कस्य प्रवेश हो सूचीमंत हो जिते कुटीर मध्य प्रवेश हेले आज्ञा से तो हूँ सब बड़े क्षीरपान करवा लोक आ देखिले जाई क्षीर भांड गोटी आहे बाबू माने शुणी देरी श्रुति देखिले जाई से मुनि बर पंडित मंडली पुराणे लक्ष्य कर बड़ी अच्छी मंडुक देखिले नेत्र कोपाणले से दिन ऋषि पुत्र राग गर गर से ऋषि हेला आरे चंडाल बेंग इ कलु बइला दिन जाक आदि मोर होब उपास तू चंडाल कलु आसीन सर्वनाश एणु करी तते मु देउछि श्राप जदि हित कर्म पड़ी थू तू मोर सुंदरी कन्या होब रूप तोर जदि अहित कर्म पड़ी थू आरे मंडुक तू भस्म होइबु ऋषि साप नाग साप विष आनन होब शुण मिदूष से दिन से जो मंडुक गोटी दिव्य सुंदर कन्या होइलाटी आज्ञा से दिन ऋषि अभिशाप से कहीं हितकर्म पड़ी थी गोटे दिव्य सुंदरी कन्या होगा ऋषि मैंने देखिले जाए बर्तमान को मोर कुटीर जगवापी गोटे झील मिलगला आम जुआ गले आम फूल पुष्प तोली आनी जमा कर कुटीरटा को जग प्रथम कथा है कुटीरटा ओल्ल मान झाड़ू मार से दिन मुनिवर है अति श्रद्धा हेले से झीर नाम गोटिक बेंगवती दे कहीं बेंग मध्य पाटा जन्म होगा तेणु बेंगवती तार नाम आज्ञा बेंगवती बोली तार नाम दिहला से दिन ठार बेंगवती गढ़ला कुटीर से दिन ठारू बेंगवती रहिला कुटीर क्रमे क्रमे बयस बढ़ुअी तार ये बाबू मैने शुणब मन दे भारत रौद बरस गला क्रमे क्रमे झील पुष्पवती है ऋषि आश्रम जग्रत रहिला दईवर लिखन ये कर किस्किंदा राजा बाली तानाव चारिदिग से कर भ्रमण सेवन गुबाड़ी जीवार बेले
देखिला ए झीटा को ताहार नेत्र अति सुंदर अटई सुकुमारी बाली राजा गला पा निकटे ताहारी पचारा आग शुण नारी बर किए तुम्हें पिता माता नाम किस तोर किस्किंदिया राजा बाली आगे चारिदिक भ्रमण करू करू से निघंच स्त्री लिंग ना पुरुष स्त्री हम हाँ 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 गोटे पचारे आज्ञा जिते बड़े बाली सहित कथोपकथन है बेंगवती से पचारे आपण किए ये कहले मु किष्किंध्याधिपति बाली महावीर तमें तो बिभा चुड़ा हीन मुवान जदि तुम्हें मो कथार हेब सनम तो तुमको भारी जा कर रखी नहीं तुम ये तो युवती कन्या आग पचन भाविला हूँ तुम कथार मो सनम तो है आज्ञा गंधर्व मत से दिन बाीर गईला गलार जो सुंदर हाण पुष्प माला गोटिक गलार से देला नीति नीति प्रीति चल एक मुनि बर को जना नाई बाली से झी गर्भ गला जिते बड़े गर्भ तार बढ़ी न गला ये गर्भ देखी जानले ऋषि पिला पचारे झील कह तू सत मिथ्या न कही बापा आगे तम नु तु ही बाघर कहीं ये गर्भ ये बढ़ला तोर कई जगी को मस पंडित मंडल शुणब डेरी करण ये अंदे जहाँ है देवा कहीन क्रमे क्रमे ता गर्भ ये बढ़ला टे दिन मात्र पचार कहती से नारी बर कह बापा सुन मगीर किश्चिंदा गाधी पति जे नृपति इंद्र पुओ बाली राजा श्रेणी ता सहित मुझे बिरती से आशुणी ऋषि कहती बाणी झीलो आंभ निकटे आनी कहले झी जदि प्रकृत में बाली तोर स्वामी बोली तू स्वीकार करिछौ हेले आमे तो जानू तेणुक आम सहित थे भेट कर दि आज्ञा प्रमाणे पुणी ए ना गरीबर बाली को कहला बाबा प्रकृत खबर से कथा शुणी बाली सनमत कला मंदर ऋषि निकटे भेट है मंदर ऋषि कहले वचन आहे नृपराज स्वाम्भ कथा को मान जो झील को आमर तुम्हें करती बिभान है यहाँ जगत हे विख्याति बिभान हो झी जब हो गर्भवती जाणिले लोक मैंने किस बोली बेटी एणु जोग लग्न तिथि से स्थिर करे ये जो वैशाख कतृतीया आसुची बोले से दिन तुम्हार हो बाघर के कहीदेले ऋषि बर आहे पंडित मंडल शुणब मन दे से दिन एपरी बाली नृपति कहीगला पड़ाई बाबा दैव घटन किए कर आसला नौका पति दे रावण बुलुअ देश देश राज राजवन ए झी को देखला तहार नयन आज्ञा से बेंगवती कन्या जिते बोले रावण देखीदेला सीए तो सुंदर नारी देखिले के मानई रावण देखला से झील को जब जाई बोला आर दुहिता पुणी के स्थान तोर घर किए से पिता माता कि नाम तोहर बेंगवती कहू अच्छी शुण हे विदेशी मोहर पिता माता अटंती एका ऋषि ए बनस्थ मध्य अटई आंभर कुटीर मंद उदर ऋषि बापा अटंती मोर रावण बोला कि रे मदाल सा अरे कहीं ऋषि पाखे करूछ बसा आसम संगते ने भी तो लंका पुड़ करी पाटराणी रखी मो घर
यहाँ सुनी ना अग्या यहाँ सुनी नास्ती से करीला बेंगोबोती यहाँ सुनी जे नास्ती करीला बेंगोबोती बोइले मुतो बीमा होई होती दोई बरे मोरो स्वामी अटे बाली रातोनो नको तृतीया जोगे बीमा होई बेजानो एक कथा देवे सुनी ला रावण रावण कहिला तुम्हें मो कथार सम्मत न करी कह बाली बी कौ तिथि ना आज्ञा बैशाख मस अक्ष तृतीय बहुत जोग बोली जिते रावण शुणीदेला भाविला मन मध्य से दिन रावण करी एथर मु देख कपट जे गुण रूप हेला आज्ञा जाई से निघंत बनर मध्य प्रवेशिला से निघंच जगल मधर जेते बले प्रवेश होइगिरि बाली रूप हैला आज्ञा जानी न पारिले मंदर उदर बाली बोली कन्या संगते तांकर करिले विवाह घर से दिन ऋषि बेदी ऊपर दे रावण वसी विवाह होइगला न जानी पारिले पुष्प गाने नैन बसाइले आहे बाबू माने डेरंतु कर्ण एक कथा जानिले नारद ब्राह्मण नारद मुनि गले पलाई आज्ञा नारद मुनि देख हे गले पलाई किस्किंदा कटके बाली निकटे जाई कहिले आरे बाली की कर्म हेला अरे तो भारी जाकू चंडा रावण चोरी करा एक कथा देवे शुणिला नृपति राग गर गर से दिन होइला ठीक आज्ञा गर्जन करी से बाली वीर उड़ी उड़ी गला आकाश मार्ग पुष्प गान ऊपर बसला देखी करी रावण भयभीत हेला भय होई से दिन लंका रावण बापा बेंगवती रो गोटे कर धरला जान आउ गोटे कर को किस्किंदा नृपति आज्ञा दुई पटे दुई पिला देख झिपुछंती अच्छा मझीरे मछी बेंगवती नारी आठ मास गर्भ होई सुंदरी जिते बड़े दुई जन कले झिका झिकी बेनी फाल से दिन कहला बेंगवती गर्भरे थिला गोटे पिला बेनी फाल हेबारु से जन्म होला आहे बाबू माने सुनंतु डेरी करन मने भाविला किस्किंदा राजन चंडाल सुरत देई छुई ये कन्या डाकू आउ ने भी नहीं हो हेबा पुत्र संगत नला हो आज्ञा किस्किंदा कटक को बाली गला पंडित मंडली डेर श्रवण ओला बप्पा हेला देबा कहिण ताकु धरिकिरी गला अंगचिरी होई जन्मी थिबारु नंदन अंगत बोली बाबा देले तार नाम मात्र जो चिरी होई थिबा नारी की धरी रावण जे गला ब्रह्मा को चिंता करी आउरी ताहंकर कुल गुरु ब्रह्मा को कहिला हां बोला हे वेदवर सुन मो वचन
याकु जीव मंत्र जल चिंती करंतु जीव दान हेला हेला से दिन वेदपति दल मंत्र कहले टीले को जीव दान शुण सुरदनटी आज्ञा जिते बड़े से झील चेतना हेला वेदपति आउ गोटे नाम ताकू देला कौन बोली बाबा ध्यान होई करिला मंद कर्म एणु करी मंदोदरी बोली देले ता नाम से मंदोदरी रावण रो पाट राणी हेला गाया प्रथम स्वामी देखो बालित होई थीला ये बेंगवती द्वितीय जन्म रहला मंदोदरी एणु करी मंदोदरी आज्ञा तीनटा पति प्रथम रहला बाली द्वितीय रे रावण द्वितीय रे विभीषण हेला।